जब से रेड शासन देखी है, क्राइम थ्रिलर्स मूवी का अलग सा ही बुखार चढ़ा हुआ है और काफी सारे लोग इसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं। जितना अच्छा थंबनेल होता है उतनी अच्छी मूवी नहीं होती। आप लोग चिंता मत करो, अपुन अभी जिंदा है, छांट छांट के मूवीज लेके आया हूँ। ये दूसरा पार्ट है क्राइम थ्रिलर्स मूवीज का, अगर फर्स्ट पार्ट देखना बाकी है तो ये वीडियो देखने के बाद देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो टॉप फाइव में से फिफ्थ पे है एक स्कूल की स्टोरी, जहां शिवा और नितिन दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब नितिन का मर्डर होता है और शिवा उसकी डेड बॉडी के पास पाया जाता है, मतलब शिवा एक प्राइम सस्पेक्ट है। अब क्या सच में शिवा ने उसको मारा है या फिर किसी और ने? बिकॉज नितिन एक ऐसा स्टूडेंट था जिससे सारी स्कूल इवन टीचर्स भी परेशान थे। तो अभी देखना ये है कि आखिर मर्डर किया तो किया किसने, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मर्डर किस लिए किया गया है। और हाँ, मूवी का नाम है पेंसिल। ये मूवी का नाम ऐसा क्यों है वो आपको मूवी देखते देखते समझ में आ जाएगा। मूवी यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी की क्या बात करूँ, जो दिमाग फटा है मेरा, वाओ, स्टोरी लाइन, BGM, डायरेक्शन वो सुपर। ये स्टोरी है सपना के बारे में, जो एक गेम डिजाइनर है जिसको PTSD यानी कि एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जो अपने फैमिली से दूर एक नौकरानी के साथ रहती है। मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब एक सीरियल किलर उसके जान के पीछे पड़ जाता है। मूवी में ट्विस्ट बहुत सारे हैं, तो मूवी जरूर देखना, और शायद आपको भी ये मूवी देखते देखते ड्वेन जॉनसन की जुमांजी मूवी याद आ जाएगी। ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, सो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट मूवी आपके दिमाग के साथ कबड्डी खेलेगी, मतलब एक मूवी में इतनी सारी स्टोरीज, अमेजिंग यार। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि नैना जो एक एंटरप्रेन्योर है और शादीशुदा भी है, वो एक होटल के रूम में लॉक्ड हो गई है और साथ में उसका बॉयफ्रेंड जो वहाँ मरा पड़ा है, वो एक लॉयर को हायर करती है और खेल तभी से शुरू होता है और मूवी का सस्पेंस हिला देगा आपको। मैंने जब मूवी देखी थी मुझे लगा कि जो क्राइम थ्रिलर मूवीज में यूजुअली जो दिखाया जाता है ऐसी ही स्टोरी होगी, लेकिन ये मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तापसी पन्नू इज ब्रिलियंट एक्ट्रेस। ये मूवी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। और हाँ, टॉप टू मूवीज़ देखने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक डिसलाइक जो सही लगे वो कर लेना। तो हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है थड़म। मूवी की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और IMDb रेटिंग भी काफ़ी हाई है। तो इस मूवी में होता कुछ ऐसा है कि एक मनुष्य का वध होता है जिसके दो सस्पेक्ट है और दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है क्योंकि दोनों में से एक ने ही खून किया है, ये पक्का है, लेकिन खून के घटना स्थल पे आखिर कौन था? ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं थे। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये जो मूवी है ये ट्रू इवेंट पे बेस्ड है, यानी कि ये जो स्टोरी में जो प्लॉट दिखाया गया है कि एक जैसे दिखने वाले दो लोग एक क्राइम के चक्कर में पकड़े जाते हैं, लेकिन दोनों में से एक तो निर्दोष है। तो ऐसे ही कई सारे केस रियल में भी सामने आए हैं। ये मूवी की स्टोरी तो अलग है, लेकिन इसमें जो प्लॉट दिखाया गया है वो रियल लाइफ पे बेस्ड है। हमारी फर्स्ट पे है, उस मूवी का नाम है थिरन। काफी खतरनाक मूवी है और ज्यादा फट्टी तो तब है जब पता चलता है कि ये रियल लाइफ स्टोरी से बनाई गई है, जो हमारी इंडिया की ही स्टोरी है। और मूवी में दिखाए हुए सीन एग्जैक्ट लेने की पूरी कोशिश की है। स्टोरी कुछ इस तरह की है कि एक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर थिरन के पास एक ऐसा केस सामने आता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक ऐसे गैंग जो लोगों के घर में घुस के उन लोगों को मार के उन लोगों को लूट के चले जाते हैं। और ये सिर्फ एक ही स्टेट से ऐसा केस नहीं, लेकिन पूरे देश में ऐसे कई सारे केस सामने आते हैं और पुलिस के पास सिर्फ उनका फिंगरप्रिंट है और उनको ढूंढने के लिए वो पूरे देश में छानबीन करते हैं। मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जिस तरह से इस स्टोरी को स्क्रीन पे उतारा गया है, मतलब मेकर्स के लिए यार तालियां बजती रहनी चाहिए। ये मूवी YouTube पे फ्री में अवेलेबल है और अगर आपको ये लिस्ट अच्छी लगी और आप भी मेरे जैसे क्राइम थ्रिलर्स मूवीज़ के फैन हैं तो वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपके पास कोई मूवी है जो देखनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ताकि सब लोग क्वालिटी कंटेंट देख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। थैंक यू।